नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडिया क्रिकेटिंग स्वागत है। आप लोगों के लिए राजस्थान नई भर्ती 2023 को लेकर महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए। बिना सीईटी भर्ती होगी दोस्तों। राजस्थान में एक और भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है जिसके फॉर्म 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वैकेंसी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखें। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों को आरएस की, संगणक की, या फिर आपको जो है आरपीएस के मतलब पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लेनी टॉपिक वाइज, या आरएसएमएसएसबी के 2015 से 2023 तक के पेपर की जो है सीरीज लेनी है टेस्ट सीरीज, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और तुरंत कम प्राइस में आप लोगों को वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। चलिए आप उसको डाउनलोड करिए और एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको शानदार कंटेंट मिलेगा, फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा उसमें। चलिए दोस्तों आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, विस्तृत विज्ञापन 18 अगस्त 2023 यानी कि आज ही के दिन यहाँ पर जारी किया गया है। सहायक अभियंता यांत्रिक यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पे वैकेंसी आ चुकी है मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल वाले विद्यार्थियों के लिए शानदार खुशखबरी है दोस्तों, यदि आपको आईएएन बनना है तो 12 पदों पे ये वैकेंसी है भू जल विभाग में। किसमें है दोस्तों? भू जल विभाग में वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की। तो यहाँ पर 12 पदों पर वैकेंसी है जिसमें से जनरल के लड़कों की है 5, लड़कियों की 2। उसी प्रकार 3 यहाँ पर वैकेंसी है ओबीसी महिलाओं लड़कों की और 1 वैकेंसी है एमबीसी की। तो ये इस प्रकार से वैकेंसियों का वर्गीकरण है दोस्तों। तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं जनरल वाली पोस्ट में, तो जिन कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, जैसे एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी है ठीक है, केवल एससी एसटी में जो है वैकेंसी नहीं है कोई भी, तो भी आप आवेदन कर सकते हो जनरल वाली के लिए। आगे बात करें यहाँ पर, तो योग्यता जो चाहिए वो बी या बी चाहिए मैकेनिकल में, ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया। तो यहाँ पर आपके पास है डिग्री और डिप्लोमा, तो आप आवेदन कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। तो आप लोगों के लिए शानदार मौका है, और आपके लिए जो यहाँ पर लास्ट ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो लेवल 14 के अनुसार आपको 5400 पे ग्रेड मिलेगा, ये आपको वेतन मिलने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 20 अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, उसके साथ ही 3 साल की छूट भी दी गई है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आगे बात करें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी वो चीज़ें जानेंगे ताकि आपके काम आ सके। यहाँ पर बात करें तो ये देखिएगा जानकारी, परीक्षा का स्थान वगैरह आपको बाद में बता दिया जाएगा ठीक है। आगे क्या है यहाँ पर, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे आप लोगों के लिए। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सभी इसका फॉर्म भरने के लिए एसएसओ आईडी का जो है उपयोग लेंगे, तो एसएसओ आईडी से आप फॉर्म भर पाएंगे। बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा, आपका सब्जेक्ट पार्ट फर्स्ट में नॉलेज ऑफ राजस्थान की पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबरों के। उसी प्रकार पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल उसी के क्वेश्चन आएंगे 110 और 110 नंबर के, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर जो माइनस मार्किंग होगा वह क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 माइनस मार्किंग होगा यहाँ पर, और आपको जो है मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को। और क्या जानकारी है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा होगा तो आपका पैसा नहीं लगेगा, नहीं किया है तो आपका एक बार पैसा लगेगा, वो आप कर दीजिएगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसी के अनुसार आपका यहाँ पर चार्ज लगेगा। आगे और क्या जानकारी आपके लिए इसमें, तो दोस्तों बहुत ही शानदार मौका है आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है मैकेनिकल वाले विद्यार्थियों को, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। क्या होने वाला है? एक ही एग्ज़ाम दोस्तों, राजस्थान की मतलब शानदार वैकेंसी कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो भी मैकेनिकल ब्रांच के लिए, यानी कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए वैकेंसियाँ वैसे ही नहीं निकलती, पर निकली है तो शानदार वैकेंसी निकली है आरपीएससी की, और आपको केवल और केवल 40 नंबरों का जीके पढ़ना है और 150 अंकों का ये। तो आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं, कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई ईएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों, जो आपका इंतजार था मैकेनिकल वाला विद्यार्थियों को, शानदार अब इंतजार खत्म हो गया है, आप लोगों का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोगों से इसी प्रकार की जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।